ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय था श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभी प्रवक्तो अभी नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो हम लोग अकर्म की डेफिनेशन को बड़ा डिटेल में समझ रहे हैं। भगवान ने बहुत सारे श्लोक केवल ये समझाने को दिए हैं कि हमें कार्य कैसे करना चाहिए। जब इस संसार में आए हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे लोग भी कहते हैं कि कार्य तो करना ही पड़ेगा, उसको कैसे किया जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उसको भगवान पिछले कई श्लोकों में बार बार बता रहे हैं। तो इससे पहले भी आपने सुना था कि जो जिसका उद्यम एंडीवर प्रयास इंद्रिय तृप्ति की यानी कि अपनी इच्छा के लिए जो कार्य नहीं करता है उसने अपने कर्म के फलों को जला दिया है जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। और आज फिर उसी को और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर कर्म के फल किसको कहते हैं। जब हम कुछ करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ प्राप्त होना होता है। हम पढ़ते हैं तो हमें डिग्री प्राप्त होती है, हम जॉब करते हैं तो सैलरी प्राप्त होती है, कुछ समाज सेवा करते हैं तो सम्मान प्राप्त होता है। तो जब हम कर्म करते हैं तो उसका एक फल हमें मिलता है। लोग जनरली बोलते हैं कि कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये जो नॉलेज दी जा रही है ये अधूरी और गलत नॉलेज है। देखा जाए तो फल की चिंता मत कर क्योंकि वो तेरे पास आएगा, और दूसरा फल से आसक्ति मत कर, इन दोनों में बहुत अंतर है। फल से आसक्ति ना करें का मतलब होता है कि जब हम कार्य करें, जैसे हमने किसी को माना घर में बुलाया प्रसाद पे, कई बार हम बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई है पुलिस वाला है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारा कुछ काम निकाल देगा, उसको बुला देते हैं तो हमारा कुछ काम निकल जाता है। और हम प्रेमवश किसी को बुलाते हैं क्योंकि हमें बड़ी इच्छा है कि उनको उनकी सेवा करें। अब दोनों ही घर में खाना बुलाने के लिए बराबर ही, दोनों काम बराबर है, लेकिन पहला जो है सकाम कर्म है क्योंकि वो कोई काम निकालने के लिए करा गया है। उसमें हमारे उसके कर्म के फल में हमारी आसक्ति है, यानी कि उस व्यक्ति को जो प्रसाद या खाना खाकर, नॉट प्रसाद कहिए, प्रसाद पाके तो उसका अच्छा ही होगा, खाना खा के जो उस व्यक्ति का फेवरेबल एटीट्यूड बनेगा हमारी तरफ, उसके प्रति हमारी आसक्ति। और एक है क्योंकि मैं इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, इस प्रकार से मैं गुरु और भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, और मेरी अपनी कोई सेल्फ डिज़ायर नहीं है, मैं इसीलिए बुला रहा हूँ, सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। इसमें कर्म के फल पे आसक्ति नहीं है, केवल कर्म करने में आसक्ति है कृष्ण के लिए, जिसको हम अकर्म कहते हैं। हाँ, समझ में आया आपके, कर्म फल के से आसक्ति। कुछ लोग हैं जो नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उन्हें सैलरी मिलती है और वो कई बार अपनी सैलरी के लिए लड़ते भी हैं, हाइक के लड़ते हैं, बहुत दिन हो गया जी मेरी प्रमोशन नहीं करी आपने, मुझे बोनस नहीं दिया गया, कोरोना में आपने मेरी इतनी सैलरी कम कर दी, ये नहीं चलेगा इत्यादि। हम बड़े रुष्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस पढ़ाने के पीछे हमारा जो कर्म, उसको पढ़ाने का जो कर्म है, उसका जो फल है, उससे हमारी आसक्ति है। और वो फल क्या है, मेरे को सैलरी मिले। दूसरी तरफ हमारे गौरांग गुरुकुल में कुछ अध्यापक पढ़ाते हैं, उस पढ़ाने का जो फल है वो वास्तव में फल उनके लिए नहीं है, वो फल तो उन बच्चों के लिए है जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनका उज्जवल आध्यात्मिक भविष्य बन जाए, ऐसा उनका उद्देश्य है। और वो यदि इसको बड़ी ईमानदारी से करते हैं तो इसका मतलब वो कर रहे हैं, लेकिन कर्म के फलों से आसक्त नहीं है। यदि वो उसको ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, कितने मजबूरी में फंस रहे हैं तो अलग बात है,
बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी कर्म कर रहे हैं, कर्म करने की ज़बरदस्त मोटिवेशन है, लेकिन वो मोटिवेशन अगेन गुरु और भगवान की प्रसन्नता है, उसमें अपनी कोई हित नहीं है। इसको कहते हैं कर्म किया लेकिन उसके फल से बिल्कुल भी आ सकते हैं कि इसके बदले में मुझे कुछ मेडल मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, समथिंग नथिंग उसके बदले में कुछ भी हमारा डिजाइन नहीं। इसको कहते हैं कर्म भी किया लेकिन उसके फल से कोई आसक्त नहीं है, फल भगवान के लिए, गुरु के लिए, दैट्स इट। तो ये बताया जा रहा है जो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग देता है। आमतौर पर लोग कर्म करते हैं लेकिन उनको सिखाया जाता है कि फल तुझे मिलेगा, डोंट वरी, कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। उसमें ये नहीं कि फल भगवान को ऑफर कर दे या भगवान के लिए ही कर्म कर, गुरु के लिए ही कर्म कर, उसमें है कि कर आगे पीछे मिल जाएगा, डोंट वरी, करता रहे, मेहनत करता रहे। तो यहाँ ये नहीं बता रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग देता है और फिर भी संतुष्ट रहता है, सदैव संतुष्ट। ऐसा नहीं कि इतना मैंने किया मुझे क्या मिला आखिर। हाँ, मैंने कई बार आदमी सोचता है मैंने इतने सारे लोगों को लंच पे डिनर पे बुलाया, मुझे किसने बुलाया? इसका मतलब हम उस कर्म के फल से आसक्त हो गए कि मैंने बुलाया तो मुझे भी कोई बुलाएगा। तो कोई ना कोई प्रतिफल यदि हमारे हृदय में है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से अकर्म नहीं है, वो पूरी तरह से भगवान और कृष्ण के लिए नहीं करा गया। ऑल दो दिखने में वो ऐसा, हमने सुना था कि ज्ञानी व्यक्ति अकर्म में भी कर्म को देख लेता है, तो दिखने में तो ये अकर्म है कि मैंने भक्तों को माना, डिनर पे बुलाया, लंच पे बुलाया, हाँ मैंने प्रसाद वितरण किया जनता में, ऐसे कर्म दिखने में तो अकर्म दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सटल रूप में मेरे हृदय में एक एक्सपेक्टेशन है प्रतिफल, कि इसके बदले में कम से कम मुझे भी तो कोई बुलाए, मुझे भी तो कोई पूछे, बुरे वक्त में मेरे भी तो कोई काम पे आए। मैं कितने लोगों की बीमारी में गया था, अब मैं बीमार हुआ हूँ तो कौन आया? अब ये विचार अगर आ गया, इसका मतलब उस कर्म को करते हुए ये विचार भी था कि मैं कर रहा हूँ तो मेरा भी तो कोई करेगा, तो ये पूरी तरह से अकर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अकर्म जो होता है वो केवल भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। कई लोग हमारे संप्रदाय में आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, हमने उनके ऊपर बहुत मेहनत करी होती है और हम कई बार दुखी हो जाते हैं, क्या मिला मुझे, मैंने इस आदमी के ऊपर इतनी मेहनत करी, अपना सब कुछ लगाया और ये मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन ये भी इसका मतलब अकर्म नहीं था, क्योंकि हमने गुरु की और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ किया था। इसलिए नहीं कि ये व्यक्ति बदले में हमारे साथ रहेगा, हमारे बदले में सेवा करेगा इत्यादि। इसी प्रकार से संसार में कोई भी रिलेशन प्योर नहीं माना जाता है, क्योंकि इवन मदर्स एंड फादर्स के जो अफेक्शन है या कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ का भी रिलेशन है, उसमें भी ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैंने इनका किया तो ये भी बदले में कुछ तो करेंगे। इसलिए हमें इस प्योर प्रेम को डेवलप करना होगा भगवान के लिए, भक्तों के लिए, गुरु के लिए, जिसमें कर्म फल से बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है कि मैंने किसी को बुलाया था तो कोई मुझे भी बुलाएगा, तो अकर्म नहीं रहा। कोई मुझे बुलाए ना बुलाए, मैं तो बुलाता ही रहूँगा, क्यों? क्योंकि इसमें कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता है। कोई मेरे साथ रहे ना रहे, छोड़ के चला जाए, लेकिन मैं तो प्रवचन देता ही रहूँगा, मैं लोगों की मदद करता ही रहूँगा, क्यों? क्योंकि मैं तो ये गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। कोई मेरी बीमारी में आए ना आए, लेकिन मैं उसकी बीमारी में जाऊँगा ही जाऊँगा, क्योंकि इससे भगवान और कृष्ण पसंद होंगे कि गुरु की भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। तो इट इज़ ऑलवेज बिटवीन यू एंड कृष्णा, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन यू एंड योर गुरु, इट इज़ नेवर बिटवीन इंडिविजुअल पीपल। हमारे सेंटर में वही हैं तो हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं और यही हमारा एक्सपेक्टेशन वास्तव में है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति सदैव संतुष्ट रहता है, देखिए अकर्म करेंगे तो संतुष्ट रहेंगे, ध्यान रखिए। यदि हमारे अंदर असंतुष्टि है, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल दिए कि मैंने ये किया और मुझे ये मिला बदले में, तो इससे असंतुष्टि पैदा होती है हमेशा, क्योंकि व्यक्ति हमेशा कंपेयर करता है कि मैंने कितना किया था मुझे कितना मिला। तो इस प्रकार की यदि असंतुष्टि है तो इसका मतलब हमने अकर्म किया ही नहीं था। तो इसलिए बता रहे हैं कि आपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी, और इस प्रकार से इन विचारों के साथ जो वो अनेक अनेक कार्य करता है, बिजी रहता है, भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, उसका मोटिवेशन ही कुछ और होता है। देखिए ऐसे व्यक्ति ज़्यादा काम कर पाते हैं, पता है आपको, भक्त हमेशा ज़्यादा काम कर पाते हैं, क्योंकि संसारी व्यक्ति के काम के पीछे कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं और कभी भी वह एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती है।
कभी पत्नी से पूरी नहीं हो पाती, कभी ऑफिस के बॉस से पूरी नहीं हो पाती, कभी पति से पूरी नहीं हो पाती, किसी रिश्ते से पूरी नहीं हो पाती, तो हमारी वो सर्विसेज में बाधा आ जाती है। एक व्यक्ति की अगर सैलरी ठीक से नहीं बढ़ती है ना, तो काम करना कम कर देता है। आप देखेंगे कहीं होता ही क्या है यहाँ पे, क्या फ़ायदा काम करके, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी। वैसे एक पत्नी ने प्रसाद बनाया, पति आया शाम को, उसने पाया ही नहीं, बोला कि मैं तो पा के आया हूँ। दूसरे दिन थोड़ा ज़ोर से बोल दिया, तीसरे दिन उन्होंने कहा मैं बनाऊँगी नहीं, हाँ बाढ़ में जाओ। हाँ, तो इस प्रकार से वो काम क्या हो जाता है, काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी। यदि हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है, तो समझ लीजिए हम किसी एक्सपेक्टेशन से काम कर रहे थे, अकर्म नहीं कर रहे थे। अकर्म ना करने का मतलब आपको पहले बताया था, इसका मतलब हम काम कर्म कर रहे हैं जिसका रिएक्शन जरूर मिलेगा, और उसके लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अकर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कृष्ण के लिए गुरु के लिए काम करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए संतुष्ट रहना, क्योंकि सेवा ही संतुष्टि है। सेवा का फल संतुष्टि नहीं है, क्या संतुष्टि है, सेवा मिलना ही संतुष्टि। इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इस लाइन को लिख लीजिए, अपने दिमाग पर छाप लीजिए, सेवा मिलना ही संतुष्टि है, सेवा का फल संतुष्टि का कारण नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलते हैं सेवा अधिकार दिए करुण जिदासी, इसलिए हम राधा रानी को बोलते हैं हे राधा रानी, ये कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो दिस इज द फ्रूट ऑफ भक्ति, का फल यही है सेवा। गोपियाँ ब्रजवासी भगवान की सेवा में हमेशा संतुष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग देता है वो सदैव संतुष्ट रहता है, प्रतिफल फल की इच्छा में आसक्ति नहीं है तो संतुष्ट रहता है, और इस प्रकार वो ज़्यादा काम कर पाता है। इसलिए बता रहे हैं वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता रहता। एक एक छोटी सी स्टोरी से समहाउ थोड़ी बहुत रिलेटेड, कि एक बार गोपियों को नदी को पार करके उस तरफ जाना था, और दुर्वासा ऋषि के लिए कुछ उन्हें सेवा करनी थी, तो कृष्ण से मिलने जाना था, सॉरी नदी के उस पार कृष्ण से मिलने जाना था, ऐसा कुछ संपर्क था। तो वो दुर्वासा ऋषि से पूछती हैं कि कैसे हम उधर जा सकते हैं, तो समथिंग हैपन कि दुर्वासा ऋषि को वो खूब भोग खिलाती हैं, पहले बहुत सारा भोग उसके उनके लिए लाती हैं, और वो यमुना जी बहुत पानी से भरी भरी होती हैं एकदम, और कैसे उस तरफ जाएं समझ नहीं आ रहा होता है, और दुर्वासा ऋषि को खूब बढ़िया सा भोग लगाती हैं भगवान का या प्रसाद देती हैं, और दुर्वासा उसको पाते हैं सारी चीज़ों को। दुर्वासा बड़े फेमस है कि जो दुर्व मतलब घास खा के ही जीवित रह ले, उनका नाम इसीलिए इस प्रकार का पड़ा, लेकिन वो इतने आहार खा लेते हैं गोपियों का दिया हुआ भगवान का प्रसाद। तो कहते हैं कि यदि यमुना को पार करना है तो जाओ यमुना को बोलो कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हैं तो आप मुझे रास्ता दे दीजिए। अब उनको हंसी आ जाती है कि अभी तो इन्होंने 56 पता नहीं 108 कितने भोग खाया है, हम कैसे बोल दें यमुना को कि नित्य उपवासी है, कैसे रास्ता दे दें उनका, बोलो बोल के देखो। और उन्होंने विश्वास किया और ये बोला कि हे यमुना माता, आप हमें रास्ता दे दीजिए, हमें कृष्ण से मिलने जाना है, यदि दुर्वासा ऋषि नित्य उपवासी हैं। तो यमुना जी तुरंत रास्ता दे दी, वो हैरान हो जाती है और उस तरह पहुँचती हैं, भगवान से मिलती हैं, और भगवान के साथ उनका प्रेम संबंध होता है, और वापस आने लगती हैं। तो कैसे नदी को पार करें, फिर भगवान से पूछती हैं हम क्या करें, तो भगवान बोलते हैं अभी उनकी रासलीला समाप्त हुई है। भगवान बोलते हैं कि यदि कृष्ण निष्कलंक है, नित्य ब्रह्मचारी है, तो नदी हे नदी हे यमुना मुझे रास्ता दे दो, ऐसा बोलो। अब वो हंस पड़ती हैं, तुम और नित्य ब्रह्मचारी, तुम्हारी तो इतनी रानियां गोपियां हैं, तुम कैसे ब्रह्मचारी, और वो ऐसी प्रार्थना करती हैं और यमुना जी रास्ता दे देती हैं। तो तथ्य हमारे आचार्य बताते हैं कि इसी प्रकार जो अभी हमने श्लोक में सुना कि सभी कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, उसी तरह से भक्त भी बहुत तरह के काम करता है क्योंकि उसका कोई प्रतिफल नहीं होता। दुर्वासा ऋषि ने जो भी खाया वो भगवान का शुद्ध प्रसाद खाया, और कुछ जीव में अंदर नहीं जाने दिया कभी, यदि नहीं मिला तो घास खाई, मिल गया तो प्रसाद खाया, नहीं तो नहीं खाया। उसी तरह से कृष्ण, हम जानते हैं गोपियों का और कृष्ण का प्रेम कितना निष्कलंक है, उसमें सांसारिक काम लेश मात्र भी नहीं है, और इस तरह का प्रेम संबंध करने के बाद भी व्यक्ति को उसका रिएक्शन नहीं मिलता है। रिएक्शन क्या मिलता है, उसको शुद्ध प्रेम मिलता है वास्तव में। तो कहने का मतलब है यदि हम कोई कार्य
भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरे दिन बिजी रहें तो भी संसार से फ्री हो सकते हैं, चाहे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा रहे हों, चाहे हम गाड़ियाँ चला रहे हों, क्योंकि प्रचार के कार्य में आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी बिल्डिंग बनाता है, कभी राजनेताओं से मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, क्या क्या नहीं करता है, मंदिर निर्माण में, प्रचार कार्य में बहुत सारे काम होते हैं। इतने काम करने पर भी वो उनके प्रतिफलों से प्रभावित नहीं होता है और वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता है, ना कि काम के बदले में मिलने वाले फल से है। वो मंदिर निर्माण भी कर रहा है भगवान की गुरु की प्रसन्नता के लिए, यदि उस निर्माण में कुछ रुकावट आ जाती है तो भी वो हतोत्साहित नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे में समझता है यही कृष्ण की मर्जी होगी, मैं और प्रयास करूँगा। इस प्रकार उसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको सांसारिक फल की आसक्ति नहीं है। हाँ, इसलिए कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारे प्रयास को देखा जाता है, मेटीरियल वर्ल्ड में हमारे रिजल्ट को देखा जाता है। डज नॉट मैटर तुम कितने घंटे काम कर रहे हो, कितनी सेल करी है तुमने, ये बताओ, ऐसा बोला जाता है। और आध्यात्मिक जगत में ये देखा जाता है कि व्यक्ति कितनी मेहनत से कार्य कर रहा है, फल की चिंता उसकी, उसका रिजल्ट क्या है डज नॉट मैटर। उसी से गुरु और कृष्ण प्रसन्न जाते हैं उनकी एंगेजमेंट से, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में है, एनीवे वो तो कभी भी दे सकते हैं। कई बार वो हमें तपाने के लिए और शुद्ध करने के लिए फल को हमसे दूर कर देते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त फिर भी हतोत्साहित नहीं होता है, तो ये हमने सीखा। ठीक है, हरे कृष्णा, भगवद्गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।